मछली पहने आप लोगों ने? मैं भी अभी पहना था। तेरे भाई को पूछा था। भाई है चंडीगढ़ में। हाउ आर यू? आई एम गुड। तो बताइए कि इतना फिटनेस पर बिलीव करती हैं? बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं फिटनेस में अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, सबसे पहले फिटनेस और उसके बाद सब कुछ। हेल्थ है तो वेल्थ है। So, जितना और आगे हम देखेंगे किस तरह का फिटनेस लेवल मेंटेन रखती हैं ताकि आगे हम और किस तरह से फिटनेस के उस बारे में देखेंगे। अभी एक्चुअली मैंने जेन्युइनली फोकस करना शुरू किया है, बस दुख इस बात का है कि हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। सो अभी कोशिश कर रहे हैं कि जितना टाइम है बॉम्बे में या फिर कहीं और है, मतलब आई वॉन्ट टू अचीव जैसे टच वुड प्रिंस का जो फिटनेस लेवल है मुझे वहाँ तक जाना है, बिकॉज जो पैशन मैं उसके अंदर देखती हूँ मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। सो मैं उसका 50% भी हो गई तो अनहैप्पी। कॉम्पिटिशन नहीं बट अच्छी चीज़ें हैं जो मुझे सीखने चाहिए और जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उससे सीखूँ। गुड एक्सरसाइज, गुड हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे घर में एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है, तो मैं शुरू में तो बहुत आलस करती थी, बट नाउ आई मेक श्योर कि उसके साथ जिम आती हूँ, साथ जाते हैं। मिसिंग हिम, इज़ नॉट हेयर अभी, वो है बॉम्बे से बाहर, बट या विल स्टार्ट कंटिन्यू। जिम का भी जो लुक पर ध्यान अब रखना पड़ता है युविका जी को? नहीं, बहुत अच्छा लगता है अगर आप कंफर्टेबल आउटफिट पहने और प्रॉपर जिम कर पाएँ, बिकॉज अगर आप जिम के कपड़े नहीं पहनोगे ढंग से तो यू कॉन्ट वर्कआउट प्रॉपरली। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंफर्टेबल कपड़े पहने, जो आपको अच्छा लगे पहनिए, देयर इज़ नथिंग कि पर्टिकुलर पहनना है, बट कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी। क्या क्या देखेंगे अपकमिंग पाइपलाइन में युविका जी? देयर इज़ आई एम डूइंग सीरीज़ जिसका मैं ऑलरेडी शूट कर रही हूँ, गाने आप देख ही रहे हैं और भी मेरे गाने आने वाले हैं। सो बहुत एक्साइटेड हूँ जो मैं अभी अपकमिंग वर्क कर रही हूँ। सो आई एम ट्रैवलिंग फॉर द शूट ओनली अभी। थैंक यू। थैंक यू जी।